नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अशोक लेलैंड लिमिटेड, यानी कि अशोक लेलैंड लिमिटेड, जो कि आप जानते भी हैं, ये एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन टाइप की जो गाड़ियां होती हैं, जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट या इस तरह के व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के व्हीकल्स बनाने का काम करती है। बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, तो कंपनी की डिटेलिंग करने की मैं कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। कंपनी आप सभी जानते हैं, अशोक लेलैंड के स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी बड़ी है, इसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है, और कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती है, साथ के साथ कंपनी पर डेट भी है। बट अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 52 वीक्स का, तो लो की मैं बात करूंगा 93 रुपीज 20 पैसे, हाई की बात करेंगे 169 रुपीज 45 पैसे। अब बात शुरू करते हैं, कहां से मैं शुरू करूंगा इसमें, लॉकडाउन से। यानी कि अगर हम बात करें 2020 से, 2020 से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, करीब करीब 110-112% के इसने रिटर्न दिए हैं। 2020 में इसका स्टॉक आप नोट भी कर सकते हैं, करीब 40 रुपीज के आसपास हुआ करता था कोरोना जब हुआ, तो तब से अब तक तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, 110-112% का इसने 3 साल के अंदर रिटर्न दिया है। अभी कुछ लोग हैं जो नया इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान कर रहे हैं, या पहले से प्लान कर चुके हैं, किसी हाई लेवल पर वो ले चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा 2023 में अशोक लीलैंड का स्टॉक, तो यही सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इत्मीनान के साथ वीडियो सुनेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही फायदा देने वाली है। सीधा पॉइंट की बात करते हैं, मैं इधर उधर की बात वैसे भी नहीं करना चाहता, सीधा पॉइंट की बात करेंगे हम। इस पे 2 वीक्स का जो मैंने फोरकास्ट बनाया वो आपसे शेयर करने वाला हूँ, मंथ वाइज जो बनाया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अशोक लेलैंड का ये जो स्टॉक है वो एक गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, 1 ईयर का अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। आपको अच्छे मार्जिन, अच्छे प्रॉफिट्स ये स्टॉक दे सकता है, ऐसा इस स्टॉक में अर्निंग पोटेंशियल दिखाई देता है। करंट सिनेरियो की बात करें तो 145 रुपीज 40 पैसे पर ये अभी लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था। अब आगे आने वाले टाइम में ये कैसा रहेगा तो ये आपको क्लियर होने वाला है। शुरुआत करेंगे 13 मार्च 2023 से, और 2 वीक्स का मैं आपको प्राइस का प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। पूरा फोरकास्ट मैंने तैयार किया है, और आप इतना के साथ वीडियो सुनेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, मेरी वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, इतना समय आपको देना बनता है। अगर आपने पैसा कमाना है और इन्वेस्ट आप करते हैं तो इतना समय तो आपको देना चाहिए। सीधा पॉइंट की बात करेंगे, 13 मार्च से स्टार्ट करता हूँ। 13 मार्च 2023 में ये स्टॉक आप देखेंगे 148 रुपीज 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा, और 14 मार्च को 148 रुपीज 95 पैसे, 15 मार्च को 147 रुपीज 85 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 16 मार्च को आप नोट करेंगे 147 रुपीज 60 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा, 17 मार्च को 146 रुपीज 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा, 20 मार्च को 147 रुपीज 15 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। अब बात करेंगे 21 मार्च की, 21 मार्च 2023 को 147 रुपीज 80 पैसा के मैक्सिमम प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड करने वाला है, अशोक लेलैंड की बात कर रहे हैं। 22 मार्च को 146 रुपीज 75 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है। 23 मार्च यानी कि 23 मार्च 2023 को ये स्टॉक 146 रुपीज 60 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा, और 24 मार्च को 146 रुपीज 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। ये मैंने आपको 14 डेज का एक प्राइस का प्रिडिक्शन दिया है। अब मैं बात करूंगा आगे की, तो आप देखेंगे कि इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इसका अपसाइड रहेगा 148 रुपीज 95 पैसे, और इसका डाउनसाइड रहने वाला है 139 रुपीज 75 पैसे। ये इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन मैंने आपको 14 डेज का बता दिया है, जिससे आपको इन आउट होने में, या फिर आपको नई बाइंग करनी है, एक्स्ट्रा बाइंग करनी है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। पहले से आपने खरीद रखा है तो भी आपको हेल्प मिलेगी, तो ऐसा आप इसमें प्लान कर सकते हैं। या और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान करेंगे, स्टॉक के सिर्फ नाम पे ना जाएं, खुद भी एनालिसिस कर लें कंपनी का, साथ के साथ अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें, क्योंकि फाइनेंस का मैटर होता है, आपको लॉस हो सकता है, तो इसलिए आप हमेशा अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लिया करें। अब हम बात करेंगे आगे की मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज ये कैसा रहने वाला है, अप्रैल का आप नोट कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में ये स्टॉक 151 रुपीज और 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। मई आप नोट कर सकते हैं, मई 2023 में 154 रुपीज 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहने वाला है। जून में 155 रुपीज 40 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में 157 रुपीज और 35 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा।
अगस्त की बात करेंगे 159 रुपीज और 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। सितंबर की हम बात करेंगे, सितंबर 2023 की बात करेंगे तो आप देखेंगे 162 रुपीज 80 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। उसके बाद में अक्टूबर, तो अक्टूबर 168 रुपीज 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। नवंबर में 168 रुपीज 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और दिसंबर में ये 167 रुपीज और 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो ये साल भर वैसे ग्रो ही करने वाला स्टॉक है। अगर आप बात करते हैं इसके अर्निंग पोटेंशियल की, अगर वन ईयर का आप प्लान करेंगे करंट प्राइस के ऊपर, तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर करीब करीब 19 से 20% का आपको इसमें ग्रोथ होती हुई दिखेगी वन ईयर के इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें 20% यानी 19-20% का अर्निंग पोटेंशियल वन ईयर का बनता दिख रहा है, ऐसी फोरकास्ट बनती है 2023 में अशोक लीलैंड के स्टॉक की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें, शेयर भी किया करें, चैनल को ज्वाइन करने का भी सोचें। साथ के साथ जो मेरे शॉर्ट्स आते हैं उसमें आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, और भी स्टॉक से रिलेटेड, क्रिप्टो से, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और आप सब लोग अच्छा कमाएं, गुड लक।